आदाब नाज़रीन, शमा स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नजर। इस न्यूज के पेश करदा है रिताज प्रॉपर्टीज। बालापुर, मल्लापुर, सुल्तानपुर में बिल्कुल वाजबी दामों में घर और जमीनात खरीदो फरोख्त किए जाते हैं। प्रोप्राइटर मोहम्मद मोहसिन से कीजिए मुलाकात और अपने घर के मालिक बनने का पूरा कीजिए ख्वाब। 10 सालों से भरोसे का एक ही नाम रिताज प्रॉपर्टीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने कैंपस में बीफ और मटन पर पाबंदी लगाने के लिए दिया वोट। माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ जिद्दोजहद की कामयाबी के लिए 2/3 अक्सरियत से कामयाब की करारदाद। मुल्क शाम में इसराइल का फिजाई हमला, 3 फौजी हलाक। शाम में ईरान के कदस फोर्स और शामी मुसल्ला फौज के ठिकानों को बनाया गया निशाना। ताइवान में एक F-16 फाइटर जेट हुआ लापता, जिसके बाद हुकाम ने तमाम F-16 तैयारों की परवाज की मुअत्तल। उड़ान के बाद तैयारा 2 मिनट के लिए रेडार से हो गया था उझल। अफ्रीकी मुल्क कांगो ने अपने यहाँ 11वें मरतबा फूट पड़ने वाली एबोला वबा के सफाया का किया ऐलान। 130 अफराद हुए थे मुतासिर, 55 की हुई थी मौत। बरतानिया ने 2030 के बाद पेट्रोल और डीजल की कारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का किया ऐलान। ग्रीन प्लान के तहत उठाया जाएगा बड़ा कदम। अमेरिका के नौ मुंतखबा सदर जो बाइडन से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फोन पर भी बातचीत। सदर अमेरिका बनने पर मोदी ने दी मुबारकबाद। हिंद अमेरिका ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने का किया आजम। वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि जो बाइडन हिंदुस्तान के लिए अजनबी नहीं है। जो बाइडन के दौर में भी हिंद अमेरिका ताल्लुकात को मिलेगा मजीद मुस्तहकम। इनकलाबी शायर व अदीब और वारावारा को मुंबई हाई कोर्ट ने 15 दिन के लिए मुंबई के नानावती हॉस्पिटल मुंतकल करने की दी हिदायत। 80 साल जहदकार को भीमा कोरेगांव में केस में किया गया गिरफ्तार, तकरीबन 2 साल से है जेल में बंद। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रानावत और उसकी बहन रंगोली चंडेल को 3री मरतबा जारी किया समन। फिरके वारणा नौयत की नोटिस पर मुंबई हाई कोर्ट ने दोनों बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दी हिदायत। दोनों बहनें मुंबई पुलिस के रूबरू हाजिर होने से कर रही हैं इनकार। दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करने का कोई मंसूबा नहीं, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने दिया बयान। गुवाहाटी पुलिस ने इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म में घूमने वाले 11 अफराद को किया गिरफ्तार, शराफती कार्ड तलब करने पर पेश करने में रहे नाकाम। गुजरात के शहर वडोदरा में 2 ट्रक्स के दरमियान तसादुम, 11 अफराद भी हलाक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए महरुकीन के अरकान खानदान को दिया पुरसा, हुकाम को फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत। हैदराबाद की पहली खातून मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी ने बीजेपी में अख्तियार की शमूलियत। शोहर बंडा चंद्रा रेड्डी भी हुए बीजेपी में शामिल, किशन रेड्डी ने किया पार्टी में खैर मकदम। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर JHMC इंतखाबात के पुलिस फोर्स को कमर बस्ता हो जाने का दिया हुक्म। आजादाना और मुंसिफान इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने की दी हिदायत। बारिश मुतासिर में इमदाद के ऐलान के 4 दिन में ये इंतखाबात का कर दिया गया ऐलान। मिसिबा पर हजारों गरीब आवाम का हुजूम, गरीब व मजबूर आवाम को कतारों में लगा कर अचानक इमदाद रोक कर गरीब व मजबूर आवाम का हुकूमत ने उड़ाया मजाक। बल्दिया इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर, नसीब नगर फुलबाग में वाकई सरदार महल के अतराफ पुलिस का सख्त बंदोबस्त। चंद्रायन बुट्टा, बारकस, उपुगड़ा, ललिताबाग, जंगमपेट, रियासत नगर, कंचनबाग हल्के से उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी का सिलसिला शुरू। मुतासिर में इमदादी रकम की मिसिबा खिदमात को अचानक मुअत्तल कर दिए जाने पर अंबरपेट इलाके में बरहम आवाम ने दरख्वास्तों को किया नजर आतिश। इलेक्शन में हुकूमत को सबक सिखाने का किया इजहार। बारिश मुतासिर को हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम मिसिबा के जरिए देने का ऐलान के बाद आवाम का हुजूम। लंबी कतार में 10,000 के लिए 3 घंटे ठहरने वाले 50 साल मुनव्वर निसा बेगम की हुई मौत, न पैसा मिला न रही जान बाकी। कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार, गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाकया। हयात नगर बहुची होटल के रूबरूल एक लारी ने चलती कार को दे दी टक्कर, जिसके नतीजे में कार उलट गई। कार में सवार तमाम लोग करिश्मा तौर पर बच गए। लापरवाह लारी ड्राइवर पर मकामी आवाम को भी बरहम, पुलिस में की गई शिकायत दर्ज। मलकाजगिरी मेडिकल डिस्ट्रिक्ट केसरा पुलिस ने 25 साल रविंदर को किया गिरफ्तार। रविंदर के कब्जे से 29,50,000 रुपए की जब्त। रविंदर ने गिरफ्तारी के बाद अपने जुर्म का किया इर्तिकाब। तो नाज़रीन, ये थी आज की स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हर खबर से बाखबर रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।